हाँ जी ना, तो मेट्रो फूड इस टाइम पहुंच चुका है जी अलियास दुम्बा कढ़ाई पे, और दुम्बा हमारे पास सामने आ चुका है जी, और इसमें हमारे पास अलग लहसुन का पानी आ गया, और ये इसके बाद हमारे पास क्या क्या चीज़ें डालते हैं, फुली अंदर तो सीन चल रहा है जी, यहाँ भी कढ़ाइयों का, यहाँ भी वहाँ भी, और पूरी पार के साथ सीन चल रहा है। अभी हमारे पास ये सॉल्ट आ गया, इसमें सॉल्ट आके पानी डाल के इसको अच्छी तरह ये रख दिया जाएगा ढक के। कितनी देर के लिए रखते हो डाला इसको? आधा घंटा। कितनी देर में तैयार हो जाएगी कढ़ाई हमारी? सवा घंटा। ठीक हो गया, सवा घंटा में हमारी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। सवा घंटे के बाद सीन देखते हैं, चाचा जी पुल भारना लगे हुआ है जी, और लिहाज प्रकट है जी, अंदर तुम सीन चल रहा है, क्या आप बात लिहाज प्रकट है। हाँ जी ना, तो ये दुम्बे शुम्बे लगे हुए हैं जी यहाँ पर फुली पार के साथ, और हमारे सामने ये चापों का पीस पड़ा हुआ है, उसके बाद हमारे पास ये गर्दने वगैरह पड़ी हुई हैं, पुठ वगैरह पड़े हुए हैं, और हर फुली अंदर तुम सीन चल रहा है। उस्ताद जी फुल भारना कीमा ला रहे हैं जी, और सब फड़े जा रहे हैं, उस्ताद नहीं फड़ाया जा रहा, ना लिहाज प्रकटा फड़ाया जा रहा, तो ना उस्ताद दियाँ मुहब्बत फड़े जा, ना उस्ताद की सफाई फड़ी जा रही। वाह जी वाह, जबरदस्त जी। सफाई के साथ जी गोश वोश लगा रहे हैं जी, उसके बाद सीन लगवाते हैं, फिर उसके बाद आपको कढ़ाई लगवा के सारा सीन दिखाते हैं यहाँ पर। ये जी बड़ा बड़ा आपने सीन देखा होगा ऐसा, लेकिन ऐसा सीन कहीं नहीं देखा होगा। ये है जी अलियास दुब्बा कढ़ाई, और अलियास प्रकटा का एक स्पेशल। हाँ हाँ हाँ, ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त, क्या बात है। शशका है जी, शशका है अलियास प्रकटा। ये जी हमारी कढ़ाई को उतार लिया गया है, और 5 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट पहले इसमें ऑयल डाला गया था, अभी ऑयल डालने के बाद अभी इसमें हमारे पास जो जो चीज़ें हैं वो डालते जाते हैं जी, जो कि दुम्बा कढ़ाई की एक खासियत होती है वो इसमें डाल दिया जाता है, और साथ हमारी बाकी कढ़ाइयाँ भी रेडी हो रही हैं जी। ये हमारी कढ़ाई पूरी तरह देसी की भी रेडी हुई है, नरम हो गया कुछ? फुल नरम। ठीक हो गया, फुल नरम है। अभी टमाटर शमाटर आ जाएंगे, हरी मिर्चें, अदरक, टमाटर वमाटर डाल दिया जाएगा अभी इसमें, जो कि एक दुम्बे की खासियत होती है, लकड़ी पे तैयार होती है जी। और ये हमारे पास अदरक, हरी मिर्चें आ गई। वाह जी वाह, बहुत सारी हरी मिर्चें पाती हैं, फुल स्पाइसी चीज़ है। और ये हमारे पास अदरक शदरक आ गए। वाह जी, बहुत मिर्चें पाती हैं जी, पर वो थोड़ा स्पाइसी का था। ठीक हो गया, वाह थोड़ा स्पाइसी था और फरमाइश थी। और ये हमारे पास जी हरी मिर्चें डाल के और अदरक शदरक डाल दिया गया इसमें। काफ़ी हद तक ये नरम हो चुका है, अभी इसमें टमाटर का शिका आ गया, और ये टमाटर डाल देंगे, अभी टमाटर को नरम करेंगे पानी डाल के। और कितनी देर में टमाटर नरम हो जाएगा? 10-15 मिनट में नरम हो जाएगा। ठीक है, 10-15 मिनट में टमाटर नरम हो जाएगा, उसके बाद इसकी ग्रेवी तैयार की जाएगी, फिर आपको दिखाते हैं बाकी क्या निकलता है इसका। अभी आपको मैं लोकेशन बता दूँ, यह है लिहाज दुम्बा कढ़ाई, मशहूर ट्रक अड्डे वाले, जो कि जौहर टाउन मेन बुलेवर्ड पे यहाँ पर मौजूद है, जौहर टाउन। ये शौकत खान से रोड आ रहा है, ये अल्लाह गोल चक्कर से रोड आ रहा है, यहाँ पर आते जाएंगे तो आपको खाना मिल जाएगा, और यहाँ पर आए कढ़ाई इंजॉय करें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ये जी हमारे टमाटर नरम हो चुके हैं जी, और अभी ये टमाटर को ऐसे ऐसे आपको लाया जाएगा। अभी लाला कितनी देर लगेगी इसको? हो गया 2 मिनट। ठीक हो गया जी, ऐसे ऐसे क्या खुशबू आ रही है इसके अंदर से, सब फड़े जा रहे हैं, ना उसे लाला फड़े जा रहे हैं, ना लिया सुबह कढ़ाई फड़ी जा रही, ना उसे शिशके फड़े जा रहे हैं, क्या बात है, क्या खुशबू है, ये खुशबू नहीं फड़िया जा रही है, ये तो खुशबू आ रही है ना मेरे मुँह से, उस्ताद कर रहे हैं, क्या बात है। बात हमारी ये होती है फुलवानी कढ़ाई जी, ग्रेवी के बगैर की तैयार की जाती है, और ये भी हमारे पास कढ़ाई मौजूद है जी, साथ शिकारियों के और भी चेंज कर रहे हैं जी। वाह जी वाह, लेकिन इसका पानी खुश किया जा रहा है अच्छी तरह, और पानी खुश करते हैं उसके बाद बाकी चीज़ें हो जाएंगी। ये थोड़ा हरी मिर्चों का शिशका आ गया इसमें हमारे पास, थोड़ी सी काली मिर्च आ गई। वाह जी वाह, थोड़ी सी काली मिर्च और आ गई, काली मिर्च एंड में जब बन जाती है ना दुम्बा कढ़ाई का, इसका मतलब है दुम्बा कढ़ाई रेडी हो गया। ऐसी ठीक हो गया, वाह जी जबरदस्त, ये दुम्बा कढ़ाई रेडी हो चुकी है, लाहौर की फेमस रियाज दुम्बा कढ़ाई, और ये हमारे पास रेडी है, और बड़ा कमाल का कलर निकल रहा है, उसको बड़ी मजे की आप। वाह जी, साथ साथ कीमा रेडी हो रहा है, और थोड़ा सा ऑयल इसमें क्या डाला गया एक दफ़ा, ताकि अच्छी तरह इसकी तरी ग्रेवी तैयार हो जाए, लुक इसकी मज़े की है। इसके बाद फिर एंड में ऑयल निकाल देते हो इसका, ठीक है, एंड में ऑयल निकाल देते हो, और ये कीमा शीमा भी साथ फ्राई होकर जा रहा है, आया है, क्या बात है। चाचा भी फुल भार देना लगे हुआ है। अभी आपको मैं लोकेशन बता दूँ, ये है लिहाज दुम्बा कढ़ाई, मशहूर ट्रक अड्डे वाले, जो कि जौहर टाउन मेन बुलेवर्ड पे यहाँ पर मौजूद है, जौहर टाउन। ये शौकत खान से रोड आ रहा है, ये अल्लाह गोल चक्कर से रोड आ रहा है, यहाँ पर आते जाएंगे तो आपको खाना मिल जाएगा, और यहाँ पर आए कढ़ाई इंजॉय करें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।